तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे इंडियन मार्केट में हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी S23 लॉन्च, जो कि सक्सेसर बन गया है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का, जो कि बहुत ही बढ़िया फोन होने के साथ बहुत सी चीजों को प्रॉमिस करता है। और जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास सैमसंग ने इस फोन के अंदर पैक किया है और कैसा होने वाला है ये फोन। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। दोस्तों शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पे आपको डिजाइन एस सिमिलर मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे ही देखने के लिए, एंड फोन का फॉर्म फैक्टर भी एस सिमिलर मिल जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेंगे आपको। और कैमरा मॉड्यूल भी एस सिमिलर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि लेटेस्ट होने के साथ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। एंड आर्मर एल्युमिनियम मिल जाते हैं बैक साइड में, और साथ ही साथ दोस्तों मल्टी कलर वेरियंट का सपोर्ट मिलता है फोन के अंदर। इन एंड फील भी बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं फुल वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये फर्स्ट इंप्रेशन है मेरे। और यहाँ पे आपको जो इन एंड फील आपको प्रोवाइड करता था S22 अल्ट्रा, उससे ज्यादा प्रीमियम फील फोन होता है। और यहाँ पे आपको माइनर सी कर्व डिस्प्ले फ्लैट एजेस के साथ देखने के लिए मिलती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस फोन के अंदर। बाकी अगर नेक्स्ट में बात करूँ फोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6.8 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले 2K एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ। यहाँ पे आपको डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बहुत अच्छी रिफ्रेश रेट भी मिलती है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी फोन का टॉप नॉच होगा। फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में ज्यादा बात नहीं कर सकता मैं इस फोन के बारे में। एक्चुअली दोस्तों बात करते हैं फोन के अंदर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए मिल जाता है क्वालकॉम की तरफ से Snapdragon 8 Gen 2, जो कि पावरफुल होने के साथ 4 MB और LPDDR5 रैम के साथ UFS 3.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है। 8 and 12 GB के रैम वेरिएंट के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 256, 512 and 1 TB के स्टोरेज मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको रे ट्रेसिंग करके एक फीचर इंट्रोड्यूस किया सैमसंग में गेमिंग मोड के अंदर, जो कि गेमिंग को थोड़ा सा एनहांस करता है, जिसके बारे में हम फुल वीडियो में बात करेंगे। बैटरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की देखने लिए, जो कि मेरे ख्याल से डेली यूसेज में बहुत अच्छी बैकअप परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। एंड 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ दोस्तों, बट यहाँ पे एक कैच मिलता है बॉक्स के अंदर, आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा, बाहर से परचेस करना होगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एंड एस पेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के मामले में मिलता है एंड्रॉइड 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स UI 5.1 देखने के लिए। मेनली दोस्तों फोन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही अच्छे OS अपडेट्स मिलेंगे आपको फोन के अंदर। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और एस पेन का भी सपोर्ट दिया S22 अल्ट्रा की तरह, जहां पे S22 अल्ट्रा में आपको बहुत से फीचर मिलते थे, उसी फीचर को अपग्रेड किया गया और कुछ न्यू फीचर को भी यहाँ पे फोन के अंदर और एस पेन के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोन के अंदर कैमरा की, तो यहाँ पे आपको सेम कैमरा मॉड्यूल देखने मिल जाता है S22 अल्ट्रा जैसा ही, क्वाड के सेटअप कैमरा के साथ दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों आपको कैमरा का जो आउटपुट मिलेगा बहुत ही बढ़िया लाजवाब मिलने वाला है। अगर सेंसर की बात करें, तो यहाँ पे आपको 12 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ यहाँ पे आपको 200 MP का मेन प्राइमरी सेंसर मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 10 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल टेलीफोटो और मैक्रो लेंस मिलता है, जो कि 10x जूम करता है। और साथ ही साथ 10 MP का एक और टेलीफोटो मैक्रो लेंस मिलता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम प्रोड्यूस करता है दोस्तों। और 12 MP की सेल्फी कैमरा, जो कि प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा सा कम है, 40 MP का था प्रीवियस जनरेशन S22 अल्ट्रा में। बट दोस्तों यहाँ पे आपको पता है सैमसंग मेगापिक्सल पे डील नहीं करता है, यहाँ पे आपको आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है उस पे डील करता है सैमसंग। बाकी यहाँ पे आपको 100x की टोटल जूम मिल जाएगी फोन के अंदर। कैमरा ओएस के अंदर इतने फीचर मिलते हैं जिसके ऊपर आप डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए बोल देंगे मुझे, इतने सारे फोन के अंदर फीचर मिल जाते हैं कैमरा ओएस के अंदर। बाकी दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पे आपको स्टेबिलाइजेशन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा, उसी के साथ यहाँ पे आपको 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो फोन की प्राइसिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सी हाई देखने मिलेगी प्रीवियस जनरेशन से, 1,15,000 के आसपास की मिल जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं अभी। और हाल फिलहाल फोन ये दोस्तों आपको इंडिया मार्केट में बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि लॉन्च हो चुका है दोस्तों। अगर आपको S22 अल्ट्रा से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मेरी इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको S23 अल्ट्रा की फुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, उसके लिए सिंपली आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। तो दोस्तों एट दी लास्ट आज के लिए बस इतना, मिलता आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।